कल सब्जी मंडी बंद थी, महीने का आखिरी दिन था, इसलिए तो कुछ फ्रूट्स ज़्यादा रखे नहीं थे घर में, बस थोड़े से ये अंगूर बचे हुए थे, तो उन्हें ही लेकर मैं विहान को पार्क में सुबह ले आई थी, क्योंकि फिर स्कूल भेजना था विहान को। बट विहान ने ये भी थोड़े से खाए, मैं गिनती के 5-6 अंगूर खाए। उसके बाद फिर मैंने विहान को आज टिफिन में आलू का परांठा दिया, परांठा दे के फिर मैंने विहान को स्कूल भेज दिया। स्कूल भेजने के बाद सीधा मैं फिर छोड़ते हुए विहान को सब्जी मंडी आ गई। कितना भी कह लो कि मैं अब से अपना ध्यान रखा करूँगी, लेकिन सुबह सुबह नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह उठते ही एक वीडियो की एडिटिंग करी, उसके बाद विहान को तैयार किया, उसको स्कूल में भेजा, इतनी हड़बड़ी होती है ना, तो उस चक्कर में बस बालों में कंघी कहाँ करी मैंने, बस सीधा मंडी में ऐसे ही आ गई मैं। इधर से इसमें से निकाल देना, बढ़िया। हाँ ठीक है, तो यहाँ मैं आधा दर्जन केले ले रही हूँ, ये लो भैया। चीकू 100 के 1.5 किलो, आप मुझे 50 के दे दो साफ साफ से। अच्छा ये सफेद सफेद हो रहे हैं, वो मत निकालना, साफ साफ से, ठीक है। सारे अच्छे तैयार हैं। हाँ अच्छे अच्छे से निकालना। तो इधर से मैं 50 रुपए के चीकू भी खरीद रही हूँ, लीजिए। अब ये देखिए आप, ये एक टाइप का अंगूर है और ये वाला है। भैया ये वाला अंगूर कितने का है? भैया भैया ये वाला 60 रुपए, और ये वाला ये 70 रुपए। तो मैं ना ये वाला लूंगी अंगूर, क्योंकि ये वाला ज्यादा मीठा मीठा सा होता है, मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है, ये वाला थोड़ा फीका फीका सा होता है, मुझे तो ये वाला मीठा लगता है। एक तो ये वाला है, ये 60 रुपए है, और ये वाला है देखो दूसरा, इसमें देखते हैं। हाँ मैं देख रही हूँ, एक मिनट देना। तो पहले तो ये 70 रुपए वाला ट्राई करते हैं, अब ये 60 रुपए वाला। मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है अंगूर। भैया कर दो, कर दो किलो। भैया बोल रहे 420 ही मत कर देना, वीडियो बन रही है। अभी देती हूँ पैसे, बाकी अपना अपने चैनल पर आया हुआ है अपना। मैं हाँ यूट्यूब जैसे खुल गया, एक मिनट। तो इसमें ये प्लस का ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करो आप। हाँ ये देखो ये सिखा रहे हैं। हाँ आप इनसे पूछना है, शॉर्ट वीडियो आपको सिखा देंगे। आपका किस नाम से मैंने? निधि की दुनिया, यूट्यूब पर निधि की दुनिया, NIDHI निधि, ये रहा सबसे ऊपर आ गया है, ये वाला है चैनल, ये वाला, ये देख, ये भैया थोड़ी नॉलेज ले रहे थे, पूछ रहे थे एडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं यूट्यूब पे। तो इधर मैं स्ट्रॉबेरी देख रही थी, ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं स्ट्रॉबेरी के, 50 रुपए के, मीन्स 25 रुपए का एक पैकेट है स्ट्रॉबेरी। मैं स्पेशली विहान के लिए खरीदती हूँ, उसे पसंद है। ये 160 बोल रहे हैं, डाल दो। तो यहाँ पे मैं 2 किलो, अच्छा अच्छा निकालना साफ साफ एकदम। हाँ तो मैं यहाँ से 2 किलो सेब ले रही हूँ, 160 रुपए किलो चल रहा है, देख लीजिए सेब यहाँ पे, तो 320 है। मुझे तो सेब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाने में, बट ये भी मैं विहान के लिए ले रही हूँ, क्योंकि विहान जैसे आपको पता है ये रोटी कम खाता है, तो पूरे दिन में एक सेब काट के खिलाती है बच्चे को, जैसे पार्क में लेके जाते हैं। यहाँ पे भैया कर रहे हैं पैक, और भी कुछ देख लेती हूँ मैं। या संतरे 70 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 2 किलो निकाल दीजिए। तो ये किन्नू नहीं है, किन्नू डार्क ऑरेंज होता है, ये संतरे हैं, मीठे होंगे ना भैया? एक नंबर की चीज है। अच्छे अच्छे निकालना एकदम बढ़िया। हाँ साफ साफ एकदम। तो यहाँ से 2 किलो में 70 रुपए किलो बता रहे हैं, तो 2 किलो मैंने ये लिया है,
संतरा, सेब, एप्पल भी ले लिया है। खुला है, इसमें डाल दो अगर आ जाए तो। ये भी आ जाएगा क्या? पल्ली लंग है, पल्ली लंग आ गया ना। ठीक है, ये तो 450 रुपए हो गए यहाँ। अब मैं हेलमेट पहन लेती हूँ क्योंकि बाहर मेन रोड पे जाना है। भैया वो बिजली के बिल का मैसेज तो नहीं आया। मेन तो मैं गई थी बाजार पैसे निकलवाने के लिए क्योंकि आज फोन आया था भैया का, आज मेरे दूसरे वाला जो घर है ना, फ्लैट है, उसमें भी वो भैया वो लगवा देंगे वाईफाई, तो उसमें भी वाईफाई वाई सेटअप बॉक्स तो दो रखे हैं, उसमें से देख लेंगे जो सा लगेगा, लगवा के वहाँ पे भी हो जाएगा कनेक्शन, फिर दिक्कत नहीं आएगी कल को। जैसे अब दोनों फ्लैट में ना, जैसे अब रात को मैं फिर उस फ्लैट में भी रुक सकती हूँ कभी भी, क्योंकि साफ पड़ा है घर तो, पूरा क्लीन है। बस वही है, वहाँ पे दिक्कत सिर्फ इसी चीज़ की थी कि इंटरनेट ही नहीं होता, तो वहाँ पे बैठने का रात को मन नहीं करता। अब इस घर में तो ये है ना, घर में बैठे हो थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह चला लो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मोबाइल डेटा इतना ज़्यादा काम नहीं करता है। घर के बाहर तो चलता है, अगर आपको चलाना है ना कुछ भी, अगर रिचार्ज है, घर के बाहर फोल्डिंग पे बैठ जाओ वहाँ चल जाएगा, बट अंदर पीछे वाले रूम में सिग्नल नहीं आते, इधर भी कम आते हैं सिग्नल, थोड़ा बहुत आता है, तो इसलिए मैंने कहा एक वहाँ पे भी रिचार्ज करवा लूँगी 6 महीने का, वहाँ मैं थोड़ा सस्ता पैक करवा लूँगी, यहाँ महंगा वाला करवा रखा है, यहाँ सिटी का लगवा रखा है मैंने, वहाँ एक रेगवार बताया है, थोड़ा वो कम प्राइस में हो जाएगा वो वाला लगवा लूँगी। और देखो कहने को तो कहते हैं, मेरे को लगेगा कि जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया काम सुबह से 7 बजे, मैं सोचती हूँ मेरा टाइम जाता कहाँ है। अभी मैं टाइम बताऊँ आपको, 11:30 बज रहे हैं, सुबह उठ के 7 बजे, मतलब 6:50 पे उठी थी, 7 बजे से लेके 8 बजे 1 घंटा तो वीडियो की एडिटिंग करी, उसके बाद 8:15 बजे मैंने विहान को फिर थोड़ा तैयार करके पार्क में लेकर गई, फिर वहाँ बैठा के उसको थोड़े बहुत अंगूर खिलाए, झूला झूलता रहा उसमें, फिर वापस घर आई, घर आने के बाद उसमें भी हो गया टाइम, उसका दवाई वगैरह दी, फिर उसको तैयार करके निकाल लेके गई स्कूल छोड़ के आई। ठीक है, स्कूल छोड़ के आई 9:30 बजे देख लो, उसके बाद फिर वापस घर आई, घर आके फिर अपना पर्स उठाया, हेलमेट लिया, हेलमेट लेके उसके बाद में फिर गई बाजार क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, तो पैसे निकलवा के लाई, फिर पैसे निकलवा के गई मार्केट का चक्कर लगा, उसके बाद आते हुए मैंने सारे फल फ्रूट खरीदे, आपके सामने हैं, और वापस आई, वापस आके फिर मैंने ये वाली जो वीडियो जो अभी जाएगी इसकी एडिटिंग करी बैठ के, मैंने लगा फटाफट कि मैंने कहा ये वीडियो चली जाएगी, और इतने सारे काम में मेरे देख लो 11:30 बज चुके हैं। सुबह खाना खा लिया था मैंने, नाश्ता कर लिया था, और मेरा अभी घर का एक भी काम नहीं हुआ है, देख लो घर का हालत। अभी देखो ये बेड पे कपड़े कपड़े पड़े हैं, सारे तय करके लगाऊंगी, यहाँ बेड पे कपड़े पड़े होते हैं ना कहीं भी कोना पे, चूहा काट देते हैं। अब मैंने ना कुछ, मेरे कुछ पजामे ऐसे हैं जो बिल्कुल नए के नए जैसे थे, और वो चूहों ने काट लिया। सुबह एक पजामा मैंने पहना और देखा फटा पड़ा, बिल्कुल कुतर दिया, इस तरीके से कई कपड़े कुतर देते हैं, इसीलिए मैं अलमारी में ही बंद करके रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि ऐसे तो आप समझ ही सकते हो खराब हो जाते हैं कपड़े, नुकसान कर जाते हैं चूहे भी। तो अब जैसे पूरा घर भी देखना पड़ता है, अभी 11:30 बजे है, अभी थोड़ी देर में मतलब कहने को ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि यार सिंगल मदर है यार, पता है सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, बाहर के काम भी खुद करने पड़ते हैं, समझते हो वो चीज़ कि मतलब टोटली, जैसे आपको कुछ भी सामान खत्म, अब बिजली का बिल का मेरा मैसेज नहीं आया, फिर मैं बिजली वाले वहाँ दुकान पे गई, जाके पूछ के आई कि ये काम नहीं हुआ, 10 काम अभी मेरा इतना सारा है, मेरे को टैक्स भरना है, उसके लिए जाना है मुझे, 12,000 रुपये भर के आने हैं, उसका भी करना है, तो मतलब इतने, कभी मेंटेनेंस भरने जाती हूँ, कभी कोई काम, पूरा मार्केट का काम मैं अकेली खुद करती हूँ। ठीक है, मेरी मम्मी नहीं जा सकते कहीं भी, ठीक है, और कोई जेंट्स नहीं है हमारे घर में, मेरे घर में कोई भी आदमी नहीं है कि कोई भी आदमी हो कि वो काम कर ले, जैसे बाहर के काम या मुझे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसे है, सिर्फ इतना है कि अपना आसपास बैठे रहे, वो इतना मतलब इतना नहीं है उनका भी, तो मुझे करने पड़ते हैं सारे टोटली, घर के बाहर का काम भी देखना पड़ता है, बच्चे के कपड़े क्या ख़त्म हो रखा है, हर चीज़ देखनी पड़ती है मुझे खुद को, कि विहान का क्या खरीदना है, क्या शॉपिंग करनी है, क्या चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं, और इन सारी चीज़ों में ना कहीं मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ खुद के ऊपर ध्यान देने की, कहीं ना कहीं मैं पीछे रह जाती हूँ, कितना भी कह लूँ। अब देखो ना, आज भी मैंने ना सुबह सुबह ना मतलब बालों में कंघी करने का मुझे सुबह से टाइम समय नहीं मिला, कि होता है ना सुबह 10 मिनट खुद के लिए निकाल लिए और बालों में कॉम कर लिया, वो भी नहीं मिला, बस हेयर वॉश करूंगी, अपना ध्यान तो जरूर लेकिन रखना ही है, अब से मुझे करने हैं काम।
बाकी ना अभी मैं मतलब अभी मैं बाइक से आ रही थी ना, तो कुछ चीज सोच रही थी। मैं सोच रही थी यार, कुछ लोग होते हैं ना उनके साथ लाइफ में कुछ भी बात चीज हो जाए, वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, इतने मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत टाइम लग जाता है उन चीजों से बाहर निकलने में। अब मुझे खुद को लगा है, देखो ना मुझे पूरे 4 साल लग गए इन सारी चीजों में, मेरा जो लाइफ का जो पास्ट था उन सब से थोड़ा सा बाहर निकलने में 4 साल का समय लग गया। और कई लोगों को मैं देखती हूँ कि वो 4-4 महीने में ही बिल्कुल आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, मूव फॉरवर्ड कर जाते हैं, पिछला भूल जाते हैं इतनी जल्दी। मीन्स कैसे, मतलब वो चीज मुझे समझ नहीं आती है कि कैसे, क्या पता या तो उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती होगी बचपन से उसे उन्हें इस तरीके से, मतलब वो हम ट्रेंड होते हैं। कई लोग होते हैं जो इमोशनली कमजोर होते हैं बचपन से ही होते हैं, थोड़ा वो अंदर से ऐसे स्ट्रोंग नहीं होते हैं, थोड़ा सा मीन्स वो बहुत ज्यादा कहते नहीं कि भावुक होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना बहुत जल्दी प्रैक्टिकली फैसले ले लेते हैं जिंदगी के, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ, देखो मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ, जैसे कई 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 कपल्स को देखती हूँ मैं, जिनके जैसे मतलब जिनके मतलब हस्बैंड्स ने मतलब या कुछ भी मतलब पर्सनल कारणों से जैसे वो सेपरेट हो जाते हैं, डाइवोर्स भी हो जाता है, तो डाइवोर्स के केस में भी मैं देखती हूँ कि वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। और कई लोग उनको देखती हूँ मैं, उनको बहुत साल लग जाते हैं उन चीज़ों से बाहर निकलने में। लेकिन इन द एंड ना कहा जाए ना, देखो मतलब अगर कोई जल्दी बाहर निकल रहा है इन चीजों से या जो बहुत टाइम ले रहा है निकलने में, लेकिन यार मेरे ख्याल से ना सबकी अपनी एक स्पीड है जिसके थ्रू वो थोड़ा थोड़ा करके अपने ऊपर काम कर रहा है, निकलने की कोशिश हर कोई कर रहा है। लेकिन यार मैं सच बोलूं, वो लोग ज्यादा कामयाब हो जाते हैं जो बहुत जल्दी इन चीजों से निकल जाते हैं। मतलब मैंने चीज खुद समझी है कि ना कई जो लोग ना बहुत मतलब जैसे मेरे को खुद को ही देखो, मैंने अपने 4 साल जिंदगी के खराब कर दिए इन चीजों में, है ना। और मुझे हाथ क्या मिला, कुछ भी नहीं, खाली हाथ वही सब कुछ, जब सब कुछ पता होते हुए भी सब कुछ पता था ना जिंदगी में, लेकिन समझने में टाइम लग गया, समय ने समझा दिया, लेकिन फिर भी इतना टाइम लगा मुझे प्रोसेस होने में इन चीजों में। और ये चीज मैंने, ये फैसला, ये लाइफ को जिंदगी को जीने का जो एक वो फैसला है, ये मैं इतने टाइम तक नहीं ले पाई खुद के लिए। मैं पता नहीं बहुत ही ज्यादा एक उस जोन में से बहुत मुश्किल से बाहर निकली हूँ मैं, बहुत मुश्किल से। मेरे को नहीं लगा था मैं निकल भी पाऊंगी, इस पॉइंट तक आ पाऊंगी, बट मैं फिर भी आई, कोशिश की मैंने। और वही बात हो जाती है, लेकिन कई लोगों को देखती हूँ वो बहुत जल्दी मतलब कुछ महीने भी नहीं लेते हैं एकदम से, मतलब एक जिंदगी का जो जब चैप्टर जो उनकी लाइफ का एकदम से क्लोज हो जाता है, खत्म होता है, बुरा पास्ट होता है, उससे ऐसे एकदम से फ्लिप करके बाहर निकलते हैं। तो उन लोगों को ना मैं समझना की कोशिश करती हूँ कि ना वो कैसे कर जाते हैं ये चीज, कि क्या मतलब कैसे, मतलब वो चीज मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे होता है। क्योंकि आप लोग भी मुझे भी बहुत समझाते थे कि नीति अब रोया मत करो, अपने बच्चे के लिए जियो, खुश रहो, आगे बढ़ो जिंदगी में। बट मैं कितना रोती रहती थी, कितने साल देख लो, कितना अपसेट रहती थी, कितना डिप्रेशन मैंने झेला है पिछले कई सालों में। 4 साल बाद मैं थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाने लगी हूँ, तो अब लेकिन मेरा लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो चुका है, बहुत बहुत बदल चुका है, चीज़ों को समझने का पर्सपेक्टिव। मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ की इस जर्नी से, बहुत कुछ मेरी ये टाइम मुझे बहुत कुछ सिखा के चला गया है। और इसमें जो मुझे समझ में आया है वो ये जरूर समझ में आया है, जो मेरी अपनी जो भी जर्नी है, इन ईंट पत्थरों से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। ये ईंट पत्थर, घर, बंगले कुछ भी नहीं है, पैसा बस इतना ही जरूरी है जितना आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ज़िंदगी चल रही है। क्योंकि सोचा जाए यार, मैं अगर मान लो भाग भी रही हूँ, मतलब भागूंगी भी कि यार मैं घर बना लूँगी, प्रॉपर्टी बना लूँगी, ये सब कर लूँगी, मैंने भी एक टाइम पे किया क्योंकि ज़रूरत थी, बढ़ गई थी खुद पे, लेकिन इन द एंड यार आज 31 साल की हूँ मैं, सोचती हूँ कि यार आज से 30 साल बाद, 60 के बाद तो भरोसा नहीं होता जिंदगी का, कितने साल की जिंदगी है। लोग 50-50 की उम्र में जा रहे हैं, देखा जाए तो आज के टाइम में 50 की उम्र भी ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल रही है। तो मैं इतना मतलब अगले 19 साल के लिए मैं ये घर बना, मतलब क्या है ये, मतलब सोचा जाए ना, हम कह देते हैं बच्चों के लिए घर बना रहे हैं, मतलब लेकिन ये सब तो टेम्परेरी है, ये सब सबको छोड़ के जाना है। हमें ये घर, जमीन, प्रॉपर्टी कोई अपने साथ तो नहीं लेके जाएगा, शरीर भी हमारे साथ नहीं जाना। तो हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं वो चीज़ें क्या सच में मैटर करती है, सोचा जाए, देखो ना कि सच में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या ये चीज़ें इतनी ज़्यादा, या हम लोग मतलब जस्ट लीव इन प्रेजेंट। आज जो ये सांसें हमारी चल रही है उसको, सांसों को फील करना चाहिए,
जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, जो हम हैं अंदर से हैं, हमें अपने आप को जानना और समझना चाहिए। और इसीलिए ना अब मैं ना बिल्कुल किसी भी चीज़ के पीछे नहीं मतलब भागती हूँ, मैं नहीं सोचती हूँ, मैं अब कोई गोल्स नहीं बनाती अपनी ज़िंदगी को लेके। हाँ बस मैं इतना ज़रूर बनाती हूँ कि मुझे आज का दिन बहुत अच्छे से निकालना है, मुझे आज के दिन में मेरे को मतलब मेरे को किसी भी चीज़ की अभी टेंशन नहीं लेनी है, ये नहीं सोचना ये कैसे होगा वो कैसे होगा, 10 चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, बस अपना सुबह उठना है, उठ के अपने काम करने हैं, अपना फैमिली घर देखना है अच्छे से, बच्चे के लिए भी मैं अब टेंशन नहीं लेती। विहान की मैं हेल्थ की बहुत टेंशन लेती थी, 1.5 साल मैं डिप्रेशन में रही टेंशन ले लेके कि विहान बीमार है। बट मैंने फिर इन द एंड मैंने सोचा यार मेरे हाथ में क्या है, देखो अब इन द एंड मेरे हाथ में सिर्फ ये है कि मैं इसकी अच्छे से केयर करूं, विहान का मैं ध्यान रखूं, उसकी खुराक पे ध्यान दूं, खाने पीने पे ध्यान दूं, दवाई ध्यान से अच्छे टाइम पे दूं, बस बाकी सब भगवान जी पे छोड़ दूं, क्योंकि मैं जो अच्छे से अच्छा जो कर सकती हूं बस वो मैं करूं, मुझे अपना फ़र्ज निभाना है, माँ का फ़र्ज निभाना है बस। ये टेंशन लेने से क्या कुछ अलग हो जाएगा, कुछ चीज़ें अलग हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, नहीं ना। तो टेंशन लेने से क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, इससे बढ़िया आप अपने ऊपर ध्यान दो। मैं यही सोचती हूँ आजकल कि हाँ मैं अपनी चीज़ों पे ध्यान दूंगी, अपने ऊपर, अपने बच्चे के लिए भी। देखो मैं पहले की तरह नहीं करती हूँ, पहले मैं पैसे ऐसे सोचती थी कि नहीं मतलब 4 कपड़ों में चल निकाल लेंगे टाइम। अब मैं विहान की कितनी अच्छी शॉपिंग करके आई हूँ, अभी भी कल जाके आप लोग कह रहे थे, कॉमेंट कर रहे थे इतने क्यों पैसे खर्च रहे हो, मैं कहा खर्चने दो यार, बच्चा है अच्छे से अच्छा कपड़े पहनेगा, अच्छे से बाहर निकलेगा, तैयार होगा, है ना, उसको अच्छे से बने रहने दो, क्या 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 करना है। मैं भी पहले बहुत सोचती थी, आप लोग कहते हो ना कि अब आप ऐसे पैसे क्यों खर्च रहे हो, यार मैं सोचती हूँ यार क्यों टेंशन लेनी है फालतू की, देखा जाएगा, खुद के ऊपर भरोसा रख, खुद में अगर तेरे नहीं थी तेरे में दम होगा ना तो तू कमा लेगी, तू आगे भी कमा लेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तू कर लेगी, क्योंकि ना कुछ रास्ता अपने आप निकल जाएगा। तो अपना तुझे जो अच्छा लगता है, तेरे को जिस चीज़ से खुशी मिलती है तू वो कर ले, कहते हैं लाइफ एक ही बार मिलती है। तो अब मैं ना अपने ऊपर भी थोड़ा सा सोचती हूँ, जैसे अब विहान के लिए जैसे ड्रेसेस भी ले आई, खाने पीने का भी ले आई, खिलौने भी लेके आई, मैंने कहा कोई बात नहीं अच्छा है, बच्चे का बचपन दोबारा नहीं आने वाला, उसको पसंद है बाइक करता है, मैंने बाइक ला के दे दी, 1-2 खिलौने और ला दिए, अगर मेरे को अच्छा लगता है महीने में 2-3 खिलौने ला के रख रही हूँ बच्चे के लिए तो कोई बात नहीं, ये इससे कोई मेरा धन नहीं जुड़ जाएगा बच्चे के 4 खिलौनों पे कम पैसा खर्च करके, और कोई बात नहीं यार, अपने बस मेहनत करते जाओ यार, मेहनत अगर आप कर रहे हो तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको पैसे की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मेरे को जो समझ में आया कि हम लोग ना सबसे ज़्यादा हम ये जो पैसे की तरफ फोकस कर लेते हैं ना यार कि पैसा चाहिए पैसा चाहिए, पैसे से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यार हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें पैसे की तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए, बस हमें अपना काम करना चाहिए, पैसा आउटपुट है, मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं भी तब भी जाने दो, इतनी क्या स्ट्रेस लेना है। मैं आप जो कह रहे थे कमेंट आ रहे थे आप लोन करोगे फिर, अब मैं नहीं करूंगी, मेरे को क्या टेंशन है, कितना लोन है इस घर का टोटल, मेरे ऊपर कितना लोन है, 1.5 लाख रुपए का लोन है सारा, बाइक की कितनी किस्तें जाती है, 3100 रुपए की किस्त जाती है क्या, हर महीने जाती है, सितंबर तक जानी है, कितनी किस्त है देखा जाए, और जो मेरा कर्जा है लोन है वो मेरा कब जाएगा, अगले साल जुलाई में किस्त जानी है मेरी, अगले साल जुलाई में, अभी क्या चल रहा है देखो, अभी 1 साल पड़ा है पूरा, 1 लाख की जो मेरी किस्त जाएगी पूरा 1 साल पड़ा है, 1 साल में जुड़ जाएगा इतना, तो क्या 1 साल में क्या 1 लाख रुपया कोई इंसान नहीं जोड़ सकता, जो 15,000 भी कमाता हो ना वो भी 1 लाख रुपये जोड़ लेगा 1 साल में, कोई इतना बहुत बड़ा वाला कर्जा नहीं है, क्या टेंशन लेनी है टेंशन। अब पहले मैं ये सोचती थी यार ये सारा कुछ अभी हो जाए रजिस्ट्री करवा लूँ, अरे हो जाएगा कब, आगे हो जाएगा, क्या लेना इस चीज़ की टेंशन, अब तेरे को जो अच्छा लगता है तू वो कर, तू अपने लिए भी तो जी थोड़ी सी जिंदगी। तो इसीलिए अब मैं ना अपने लिए सोचती हूँ कि नहीं निधि किसी के लिए नहीं ऐसे फालतू में, देख मैंने अपने पास्ट के लोगों के बारे में सोच सोच के कि उसने ये किया उसने वो किया, मैंने अपनी लाइफ कहीं ना कहीं नेगेटिव बना दिया, अपनी लाइफ को ख़राब किया, और यार यही सबसे बड़ा रिवेंज होता है यार ज़िंदगी में, अगर कोई आपके साथ गलत करता है ना तो उसको अगर आप दिल में उन चीज़ों को याद रखोगे ना कि हाँ उसने गलत किया ये हुआ था वो हुआ था, तो पता है क्या होता है उससे, कहीं ना आपके ऊपर उसका उस इंसान का आज भी कंट्रोल है, और अगर आप उसको वो पावर दे रहे हो कहीं ना कहीं, तो कहते हैं ना कि शैतान का नाम आप जितनी बार लेते हो, फिल्मों में नहीं दिखाते कि कभी भी कोई एक हॉरर पिक्चर होती है उसमें कहते हैं कि ना शैतान का नाम कभी भी मुँह से
बार बार नहीं लेना चाहिए, अगर आप बार बार मुंह से लेते हो तो उसकी पावर बढ़ती है सामने वाले की, ऐसा कुछ होता है एक हॉरर फिल्म में मैंने सुना था कि सिर्फ इशारों में बात करो, उसका नाम नहीं लेना है। तो इस चीज का ना एकदम से थोड़ा डीप मीनिंग निकालो ना, तो अगर हम हमारी जिंदगी की जो बुरा पास्ट है ना, जो हमारी चीज में जो ऐसी लाइफ में चीजें हुई है उनके बारे में हम बार बार बात करेंगे ना, तो बात करने से भी कहीं ना कहीं हम उनको पावर दे रहे हैं, हमारी जिंदगी पे उनका कंट्रोल होता है, वो बढ़ती हैं चीजें, हम पे हावी होती हैं वो चीजें, हमारा माइंडसेट नेगेटिव कर देती हैं। तो हमें ना उन चीजों को ना छोड़ ही देना चाहिए पूरी तरीके से, जो मैं छोड़ चुकी हूँ अब, मैं इसीलिए अपने ऊपर ध्यान देना चाहती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि ना मैं अब ट्रीटमेंट्स लेना चाहती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ये चीजें कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना अब मैं हाथों के पैरों का लेजर ट्रीटमेंट्स के बारे में मेरे को पता चला, मैंने कहा इससे ऐसे ट्रीटमेंट्स है ना जैसे आप रोज रोज वैक्स वूक्स करवाते हो उससे छुट्टी हो जाएगी काफी टाइम तक, कई सालों तक। तो मैंने कहा चलो ये ट्रीटमेंट्स हम मैं लूंगी, मुझे अच्छा लगेगा, खुद को पैम्पर कर रही हूँ मैं अपने बालों को, मेरे को अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने बालों को ना काफी टाइम हो गया मेरे झड़ने लग गए थे बाल, मतलब हेयर फॉल हो रहा था, तो मैं उसका ट्रीटमेंट, हाँ मैं आपको वो शैम्पू कंडीशनर आप बोल रहे थे ना, बार बार मैसेज आ रहा था, एक मिनट मैं दिखा देती हूँ, ये रहा मैं ना आप लोगों को आया था ना, मैंने कहा दिखा देती हूँ, ये देखो ये तो मुझे शैम्पू है, ठीक है, जो मुझे करना है हफ्ते में दो बार, क्योंकि ये तो मेरा उसके लिए बालों में डैंड्रफ सा हो रखा है मेरे, और ये मुझे एक महीने की है, और ये कब गई थी मैं देख लो, परसों दो दिन हो गए, मैंने तो खाई नहीं, शुरू भी नहीं करी है, देखो ऐसी की ऐसी रखी है, आज से करूँगी पक्का, एक गोली ली है, एक ही लिखी है बस अभी, तो ये लूँगी, इससे मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, गर्म पानी से अच्छे से हेयर वॉश करके करूँगी, और अच्छे से अपना ध्यान रखूँगी, और अपना अपनी जो भी चीज़ें हैं लाइफ में, अब मैं बस ये सोच रखा है कि बस जैसा मतलब स्ट्रेस तनाव तो लेना नहीं है, बस अच्छे से खुद को तैयार भी रखना है, अच्छे से सब कुछ करना है, ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, और ठीक है बाकी सब जो होगा लाइफ में लिखा है वो तो होना ही है। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स पे शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।